अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ा सा विंटर व्लॉग और फ्राइडे डे आउट। तो ये क्लिप है थर्सडे का। हम शाम के वक्त कॉफ़ी बना रहे थे और मैंने, मम्मा ने और भाई ने छोटा सा मिलकर टी टाइम किया था। फिर रात को मम्मा ने बनाई थी स्पैगेटी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। और स्पैगेटी के साथ हम चिप्स फ्राई करके ज़रूर खाते हैं। और फिर रात को हमने चाय पी थी। तो ये है नेक्स्ट डे। यहाँ पे हमारे घर आ गए थे मेहमान, तो हमने उनके लिए ये सब बनाया था। स्पैगेटी बनाई थी, समोसे बनाए थे, आलू चिकन के कबाब्स बनाए थे और गाजर का हलवा और दही बल्ले। गाजर के हलवे के ऊपर जो खोया था वो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था और बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। इंशाल्लाह अगर आपको रेसिपी चाहिए हुई तो मैं खोए की रेसिपी ज़रूर अपलोड करूँगी। अब एक जुम्मा ही दिन होता है जब हमें छुट्टी होती है, तो हम आ गए हैं। तो मैं अभी आपको दिखा रही थी गिफ्ट्स। मैंने मम्मा का बर्थडे मंथ आ रहा है नेक्स्ट मंथ, तो मैं पहले गिफ्ट लेकर रख लेती हूँ, बिकॉज मुझे फिर अफरा तफरी मची होती है कि कब लेना है, कहाँ से लेना है। तो फिर मैं पहले ही ले लेती हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। वो साइड पे जब होती है मम्मा, तो फिर मैं चुपके से गिफ्ट ले लेती हूँ। मैंने हाफ मम्मा के गिफ्ट ले लिए हैं। मैं अब आपको अभी दिखाऊंगी नहीं, वो ब्लॉग बहुत बाद में आएगा, मैं आपको भी वो नहीं दिखाऊंगी। वो मैंने अभी गिफ्ट्स रख दिए हैं। और अब हम आ गए हैं मनाला मॉल। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, हम यहाँ से पिज़्ज़ा खाने आए थे, लेकिन जब हमने ऊपर जाके जगह देखी तो थी ही नहीं। हम सोचते रहे फिर कहाँ बैठे, इतना ज़्यादा घूमे। फिर हमने कहा चलो कहीं और जाके खा लेंगे। नीचे फिर हम आए और पापा ने यहाँ से फ़िश दी कि चलो घर जाके आप लोगों को फ़िश खिला दूंगा। और यहाँ से हम ले रहे थे बेकरी से कुछ सामान, जैसे मम्मा ने दिए थे खुबजे और अपने लिए हमने दिए थे केक। केक बहुत ज़्यादा मज़े का था। हमने जब घर आके कॉफ़ी के साथ ट्राई किया तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगा। वहाँ अंदर भाई ने देख लिया था पिज़्ज़ा बेकरी में, और उसने कहा था बस मुझे लेना ही लेना है। पता भी नहीं था मुझे ये फ्रेश भी है या नहीं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, फिर भी हमने खा लिया। ये ले लिया था तो खाना ही था। तो फिर पापा ने कहा चलो आपको होटल में ही खाना खिला देता हूँ। तो हमारे घर के पास ही ये इराकी होटल है, हम यहाँ आ गए थे, समुंदर के बिल्कुल सामने है। इसका व्यू मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस हम यहाँ वेट कर रहे थे, पापा करने गए थे ऑर्डर। हमने कहा था हमें इतनी भूख नहीं है, क्योंकि पापा ने कहा था मैं घर जाके फ़िश भी बनाऊँगा। तो आज हमारा पूरा दिन फूड डे ही रहा था। तो ये आ गया है हमारा खाना। जैसे कि हमने आपको कहा, मैंने आपको बताया कि हमें इतनी भूख नहीं थी और पापा ने कहा था मैं घर जाके खाना भी, मतलब फ़िश भी बनाऊंगा। तो फिर हमने दो प्लेट्स ही मंगवाई थी और हमने शेयर कर लिया था। तो मनाला मॉल से हमने फ़िश के साथ खाने के लिए ये खुब्ज़े लिए थे और साथ में केक लिया था। खुब्ज़े भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे और सॉफ्ट थे, काफ़ी फ्रेश लग रहे थे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉफ़ी का मिक्सचर। और ये देखें ज़रा, फ़िश पापा मुझे डरा रहे थे क्योंकि मैं फ़िश नहीं खाती और ना ही मुझे पसंद है, मुझे इसे स्मेल आती है। और इसको हमारी मशीन मिल नहीं रही थी हमें, तो फिर मैंने फ़िश, मतलब उससे कौन से फेंटा, मेरे हाथ धुक गए। और यहाँ हम इंजॉय कर रहे हैं हमारी कॉफ़ी और केक हमने इंजॉय किया के साथ। केक बहुत ज़्यादा मज़े का था। और हम बाहर से वेट वाइप्स भी लाए थे मेकअप रिमूव करने के लिए। और यहाँ पे पापा बना रहे हैं फ़िश। यहाँ पे पापा ने फ़िश को मैरिनेट कर दिया। और अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले थे, बाद में आपको दिखाऊंगी। और यहाँ बस ओवन में फ़िश रख दी है बनने के लिए। और यहाँ हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा डिलीशियस डिनर। ये था मेरा छोटा सा विंटर प्लस फ्राइडे व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।